जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। स्वागत करती हूँ आप सभी का महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे थे पांडवों की उत्पत्ति के बारे में, और ये लगातार मैं आपको आज वीडियो दे रही हूँ, और इसका एक जो मात्र उद्देश्य है देवी भागवत को पूरा करना, और साथ में आप लोग उसकी कथा को सुनते रहें, क्योंकि ये कथाएँ आपको है तो आप लोगों ने सुनी हुई है, लेकिन ये देवी भागवत पुराण में दी गई हैं और इसको सुनने मात्र से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसा होता है। तो आज मैं आपको देवी भागवत की कथा सुना रही हूँ। कुछ लोगों के मैंने नाम लिए थे और यूनिवर्स में लगातार लोगों के मैसेजेस भी भेज रही हूँ, और उन्हीं मैसेजेस को अगर आप भी भेजना चाहते हैं 101 रुपये का अनुदान देकर मुझे, आप भी अपनी मैसेज को यूनिवर्स में पहुँचा सकते हैं। तो बात हो रही थी कि पांडवों की उत्पत्ति कैसे हुई, और मैंने आपको बताया था कि पांडु जो बीमार रहते थे उनका विवाह माद्री से होता है और कुंती से होता है, लेकिन कुंती और माद्री से विवाह होने के बावजूद जो पांडु बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते थे, एक दिन पांडु जो हैं अपनी पत्नी के साथ, दोनों पत्नियों के साथ आखेट पे जाते हैं, और वहाँ गलती से वो एक ऋषि को मार देते हैं जो अपनी पत्नी के साथ वहाँ घूम रहे होते हैं। और जैसे ही ऋषि को बाण लगता है वो क्रोधित हो जाते हैं और शाप देते हैं कि हे पांडु, मैं तुम्हें शाप देता हूँ, जब भी तुम अपनी किसी भी स्त्री के साथ रहोगे, समागम करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु होना निश्चित है। ऐसा सोच के वो भयभीत हो जाते हैं, और होता भी ऐसा ही है कि वो एक समय में माद्री के रूप सौंदर्य से इतने ज़्यादा मोहित हो जाते हैं पांडु कि वो उनके तरफ आते हैं, और जैसे ही वो माद्री का हाथ पकड़ के उसे आलिंगन करते हैं अपनी रानी का, उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाती है, जैसा कि ऋषि ने उनको श्राप दिया था। अब श्राप लग जाने के बाद उनके कोई भी संतान नहीं थी, जबकि कौरवों के 100 पुत्र थे, और ऐसे में कुंती जो है अपने द्वारा, जो उन्होंने ऋषि दुर्वासा ने उनको एक आशीर्वाद दिया था, देखिए नेति हमेशा ही पूर्व से नियोजित कर लेती है। ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक ऐसा वरदान दिया था जिससे वो कभी भी किसी भी दिव्य देवता से या दिव्य पुरुष से एक संतान को प्राप्त कर सकती थी, और वहीं पे जब मृत्यु हो जाती है पांडु की, तो पांडु के पुत्र के रूप में जब कोई भी नहीं था और वो वन में ही थे, तब कुंती जो है अपने उन्हीं आशीर्वाद का पुनः प्राप्त करके 5 पुत्रों को जन्म देती है, जिसमें से 3 पुत्र कुंती के होते हैं और 2 पुत्र उसी आशीर्वाद से माद्री के नाम से कहलाए जाते हैं। कुंती भगवान से प्रेर करके, प्रार्थना करके अलग अलग देवताओं से 3 पुत्रों को प्राप्त करती है, जिसमें आप जानते हैं कि वो सबसे पहले युधिष्ठिर को, उसके बाद अर्जुन को, और साथ में जो भीम थे उनको जन्म देती है, जबकि माद्री जो थी नकुल और सहदेव को जन्म देती है। इस तरह से धर्मराज से युधिष्ठिर का जन्म हुआ, वहीं वायुदेव से भीम का जन्म हुआ, इंद्र की कृपा से अर्जुन हुए, ये 3 हुए, और माद्री ने जो, और माद्री को अश्विन जो कुमार थे उनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस तरीके से पांडवों के पुत्रों का जन्म हुआ। अब कौरव और पांडवों का संक्षिप्त इतिहास, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कौरव और पांडवों में आपस में कभी भी नहीं बनी, ये हमेशा से ही एक दूसरे को शत्रु थे, और राज्य को लेकर हमेशा ही इनके बीच में युद्ध रहा था। और जब 5 पुत्र हो जाते हैं और पांडव अपने, कुंती अपने पुत्र को लेकर राज्य के लिए आती है, क्योंकि राजा उस समय पांडु थे, हालांकि धृतराष्ट्र प्रथम पुत्र थे, लेकिन अंध होने के कारण पांडु को राज्य गद्दी दी गई थी, उसके हिसाब से उनके पुत्रों को ही राजा बनना था, लेकिन धृतराष्ट्र जो है पांडु की मृत्यु के समय कार्यवाहक राजा बन जाते हैं, अतः उनका जो पुत्र था दुर्योधन और उसके जो मामा थे शकुनी चाहते थे कि उनके जो पुत्र हैं, यानी कि दुर्योधन वाला है, उन्हीं को राज्य मिले, और तभी से ये युद्ध शुरू हो जाता है। और जब अधिक लड़ाई के समय उनको स्थान दिया जाता है और वो वन में भेज दिए जाते हैं, और इससे से जो भी कुछ होता है आप जानते हैं कि किस तरीके से राजा युधिष्ठिर और सभी के साथ होता है, किस तरीके से धृतराष्ट्र के सामने ही उसके पुत्रों की मृत्यु भी होती है, क्योंकि जो युद्ध होता है जिसके कारण
सारा का सारा कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है, महाभारत का युद्ध होता है। इसी संक्षेप में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म होता है और द्रौपदी के 5 निर्मम पुत्रों की हत्या भी होती है, और जिसको जो आपने सुना होगा गुरु द्रोण के जो पुत्र थे अश्वत्थामा, वो कुंती के पुत्रों की हत्या कर देते हैं, और तब अभिमन्यु का विवाह कराया जाता है भगवान श्री कृष्ण के कहने पे और उत्तरा से, और तब उनके वंश को आगे बढ़ता है। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो राजा परीक्षित था। जब पांडवों का युद्ध होता है महाभारत का, तब कौरव और पांडव सभी समाप्त हो जाते हैं, जिसमें पांडव बचते हैं, लेकिन अंत में जो अभिमन्यु जो था, जो अंतिम वहाँ का जो शासक था, क्योंकि अभिमन्यु ही अंतिम जो उत्तराधिकारी रह गया था, उसकी जो पत्नी थी उत्तरा, जो कि भगवान कृष्ण के वंशज से थी, उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म होता है। और राजा परीक्षित जो थे वो अपने संसार को बढ़ाते हैं। परीक्षित का नाम बहुत ही विख्यात होता है, और धृतराष्ट्र जो है वो अपने पुत्रों के लिए रोते रहते हैं और गांधारी के साथ वन में चले जाते हैं, और कुंती और विदुर भी चले जाते हैं, यानी कि सभी लोग अपने अपने अंतिम क्षणों को प्राप्त कर लेते हैं। एक समय अन्यास ही वन में आग लग जाती है, जिसमें धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती सभी जल के भस्म हो जाते हैं। उधर कौरवों की मृत्यु होने के 36 वर्षों के बाद यादव वंश का भी पूर्ण रूप से समापन हो जाता है, और भगवान कृष्ण भी चले जाते हैं। अब युधिष्ठिर का यहाँ मरने का मन नहीं करता है, इसलिए वो भी चला जाते हैं अपने पूरी परिवार के साथ। उधर जो कथा के आगे में एक बहले के द्वारा मारे जाने से भगवान कृष्ण की मृत्यु का समाचार प्राप्त करने के बाद जो युधिष्ठिर है वो अपने भाइयों के साथ स्वर्गारोहण करते हैं, वो कथा आप सभी जानते हैं। उधर राजा परीक्षित जो कि उनके कुल के ही थे और राजा थे उस समय हस्तिनापुर के, वो अखेट करने के लिए जाते हैं और उनको वहाँ प्यास लगती है। वो एक ऋषि को ध्यान लगाए हुए देखते हैं और उससे कहते हैं उन्हें जल की आवश्यकता है, जल को पीना चाहते हैं। और जब बार बार वो जल के लिए पूछते हैं और मुनि कोई भी जवाब नहीं देते हैं, तब वो गुस्से में आकर उस पे एक मरा हुआ सर्प डाल देते हैं, और तब मुनि नाराज होकर उनको श्राप देते हैं कि जिस प्रकार से एक मरा हुआ सांप तुमने मेरी गर्दन पे डाला है, इसी तरीके से तुम्हारी मृत्यु भी सर्प के दंश से ही होगी, और तक्षक नाम का सर्प ही तुमको काट के तुम्हारी अंत का कारण बनेगा। ऐसे समय में राजा जो परीक्षित थे उनके जो है वो श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं अंत में, जिसको मैंने श्रीमद् भागवत कथा में आपको बताया भी था कि जब राजा परीक्षित को पता चलता है कि उनकी मृत्यु जो है एक सर्पदंश से होगी जिसका नाम तक्षक है, तो वो उससे डर जाते हैं। आगे की कथा मैं आपको आगे विश्राम के बाद सुनाती हूँ।